साथियों नमस्कार। वसंत विहार की पोश कॉलोनियों के बीचों बीच बना हुआ प्रिया सिनेमा हॉल दोस्तों दिल्ली का सबसे ज़्यादा कलेक्शन बटोरने वाला थिएटर है प्रिया थिएटर। सन 2002 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सर्वे के अनुसार अगर प्रिया सिनेमा हॉल पर किसी नई फिल्म के एक सप्ताह के सभी 28 शोज हाउसफुल रहते थे तो यहाँ पर 18,68,475 रुपये का कलेक्शन होता था। दोस्तों अगर कलेक्शन के मामले में आप दूसरे नंबर के थिएटर की बात करें तो राजा गार्डन में बने विशाल थिएटर के एक सप्ताह के सभी 28 शो हाउसफुल रहने पर लगभग 17 लाख रुपए का कलेक्शन होता था। दोस्तों ये सिर्फ कागजों में ही नहीं बल्कि टिकट खिड़की पर भी प्रिया सिनेमा घर में चली फिल्म स्पाइडरमैन ने यहाँ पहले सप्ताह में 18 लाख रुपये का बिजनेस किया था। दोस्तों ये आंकड़ा सन 2002 का है। 1970 के दशक में जब DDA के इस सिनेमा प्लॉट को सबसे ज़्यादा बोली लगाकर दिल्ली के जाने माने उद्योगपति बिजली पहलवान ने खरीदा तो इस प्लॉट के आसपास वीरानी थी। इस सिनेमा घर प्लॉट के पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी होना था लेकिन जब मार्च 1975 में प्रिया सिनेमा हॉल की ओपनिंग अमिताभ बच्चन की चर्चित फिल्म दीवार के साथ हुई तो सिनेमा घर के लगभग 1000 मीटर की परिधि में एक भी दुकान या रेस्टोरेंट नहीं खुला था। ऐसी सुनसान जगह पर बने प्रिया सिनेमा हॉल के रात्रि शो अक्सर खाली ही रह जाते थे। आज प्रिया सिनेमा हॉल का संचालन PVR कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी के प्रमुख अजय बिजली बताते हैं कि हमने प्रिया सिनेमा हॉल में लेटेस्ट साउंड तथा प्रोजेक्शन सिस्टम लगवाया था। निर्देशक संजीव कुमार बिजली कहते हैं कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की श्रेष्ठ फिल्मों को प्रिया सिनेमा हॉल पर प्रदर्शित किया जाता रहा है। अगर निर्माता यश जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम ने साउथ दिल्ली के सभी सिनेमाघरों की तुलना में यहां सबसे ज़्यादा बिजनेस किया तो हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर ने भी यहां सब जबरदस्त कलेक्शन किया। बॉलीवुड के सितारों का प्रिया सिनेमा हॉल पर आना एक आम बात सी थी। सुभाष घई के अलावा डेविड धवन अपनी नई फिल्म का प्रीमियर यहाँ आयोजित करना फिल्म के लिए लक्की मानते थे। इस सिनेमा घर के लिए नई फिल्मों की बुकिंग करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर संजय घई कहते हैं कि पॉश कॉलोनियों में सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस थिएटर का फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स में काफ़ी क्रेज है। जब इस थिएटर पर एक सप्ताह का कलेक्शन ही 18 लाख से ज़्यादा था तो हर मल्टी स्टारर फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर प्रिया सिनेमा हॉल की बुकिंग चाहता था। दोस्तों प्रिया सिनेमा हॉल की जो लोकेशन है वह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वसंत विहार। इसमें जो सीटों की कैपेसिटी थी बालकनी 255, स्टार 1 407, स्टार 2 210 और जनता क्लास 72। प्रिया सिनेमा हॉल में वोल्टास कंपनी के 3 AC संयंत्र थे। और दोस्तों प्रिया सिनेमा हॉल में जो सबसे पहली फिल्म ओपनिंग फिल्म थी वह अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही घंटी को भी प्रेस करें। थैंक यू।